एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अब ये वीडियो जो मैं आपके सामने बना रही हूँ, इस वीडियो में आप यहाँ पे वीडियो में कुछ और देखेंगे, मगर वीडियो का टॉपिक कुछ और है। असल में मैंने 2-3 दिन पहले फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी सिद्रा हुमैद की, जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करने लगी हूँ। मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि किस किस्म के स्कैम आप लोग फेस कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म की, ताकि आप लोग किसी जानी और माली नुकसान से बच सकें। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ये वीडियो देखते रहिएगा, और वीडियो में जो कुछ भी नज़र आए उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने अपने बच्चों की फीडर बॉयल की थी, तो मैंने कहा ये मैं साथ साथ समेटती जाऊँ और आप लोगों से मज़े मज़े की बातें भी करती जाऊँ। तो जनाब, बहुत सारे लोगों को कमेटी का कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसको हम बीसी भी कहते हैं। इसके ज़रिए होता यह है कि आप लोगों, जैसे अगर आप लोग 5,000 रुपये हर महीने अपने पास जमा कर रहे हैं, 20 महीने बाद वो 5,000 रुपये 1,00,000 रुपये बन जाएंगे। तो होता यह है कि किसी किसी को ज़रा जल्दी चाहिए होते हैं, तो वो 20 लोग मिल के एक साथ कमेटी डाल लेते हैं, और होता यह है कि जिसको पहले चाहिए होता है तो वो पहली कमेटी रख लेता है और फिर बाद में 19 महीने 5,000 रुपये भरता रहता है। मतलब पहले महीने में 5,000 रुपये उसको बीसी कमेटी की मिल जाती है, और वो उस कमेटी के थ्रू जो है बड़े आराम से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, और फिर बाकी 19 महीने वो बीसी भरता रहता है। इस तरह बारी बारी हर मेम्बर की बारी आती है, तो कुछ इस तरीके से होती है ये बीसी का सीन। अब एक लड़की औरत, आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी इज़, उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया कमेटी का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर वो 5,000 पे 1,00,000 की, 10,000 पे 2,00,000 की, और वेरियस अमाउंट की, 5,00,000 पे 30,00,000 की, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की बीसियाँ डालने लगी, और उस पर लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे कम्यूनिटी लीडर्स, यानी जो कि फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े ग्रुप्स चला रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कमेटियाँ उनके साथ मर्ज कर दी एक वक्त आया तो। अब 4 दिन पहले फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैं बैंकक्रप्ट हो गई हूँ और मुझे नहीं पता, मैंने किसी के पैसे इस्तेमाल नहीं किए, मगर वो सब पैसे कहाँ गए मैं नहीं जानती, और मैंने अपनी बीसियाँ कंप्लीट करने के लिए नई बीसियाँ डाली थी, और अब मेरे पास नई बीसियाँ भरने के लिए पैसे नहीं हैं, और लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें और अपनी बीसियाँ कंटिन्यू रखें, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको पैसे दे दूँगी। मैं जो हूँ वो किसी के पैसे नहीं खाई हूँ, और मैंने किसी के साथ कोई हवन नहीं किया है, फलाना फलाना। मैं यहाँ पे उनकी पोस्ट लगा दूँगी, लिंक ग्रुप में नीचे डाल दूँगी, ताकि आप लोग खुद भी पढ़ सकें, और आप लोग जो है वो इस चीज़ से अपने आप को बचा सकें इस तरह के धोखे से। तो ऐसा नहीं होता है। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कमेटी डालते हैं तो उसके अंदर अमूमन लोग बिना फ़ायदे की कमेटी नहीं डालते, वो कमेटी जब डालते हैं जब उनको अपना फ़ायदा, और अपना फ़ायदा किस तरह से होता है कि सबसे पहली कमेटी वो अपनी रख लेते हैं। अब एक लड़की ने अगर 10 कमेटियाँ डाली हुई हैं, और 10 की 10 कमेटियों में से उसने पहली कमेटी रख ली है, और वो उस कमेटी को भरना भूल गई है, और ये साइकिल चलता रहा, फिर उसने नई बीसी स्टार्ट की, तो हर दफ़ा पहली कमेटी का जो एक कमेटी के पैसे शॉर्ट हो रहे हैं वो बढ़ बढ़ के बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि इनके साथ भी यही हुआ है, इन्होंने अपनी कमेटी के पैसे उठा तो लिए, लेकिन अपनी कमेटियाँ उन्होंने सोचा बाद में जब जब पैसे कम पड़ेंगे तब तब भरती रहूँगी, और पैसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। अब आगे जाके ये प्रॉब्लम हो गई कि इनके पास शायद पैसे नहीं बचे, या वो चेक एंड बैलेंस रखना भूल गई, जिसकी वजह से वो लोगों को पैसे नहीं पे कर पाई, और अब आप यकीन करेंगे उनके ऊपर 42 करोड़ का कर्ज़ा है। कर्ज़ा भी कैसे, लोगों ने कमेटियाँ डाली थी, ये कोई प्रॉफिट और लॉस का गेम नहीं है जिसके अंदर वो बोल सकें कि भाई मुझे लॉस हो गया इसलिए मैं पैसे नहीं दे रही, वो तो एक तरफ से पैसे आके दूसरी तरफ दे रही थी। तो इस तरह के धोखे भी दुनिया में हो जाते हैं, हम लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि अगर हम लोग दुनिया में रह रहे हैं तो हम एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक पैसे के लिए ट्रस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। आप देखें, इस लड़की के, इस औरत के 2 ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं, और अब वो इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन भी मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करते रहें। अरे भाई, जिस औरत ने 42 करोड़ का गबन कर दिया, चाहे उसने खाया चाहे नहीं खाया, पैसा हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है, ना वो कोई गैस है, ना कोई वो वेपर है कि वो हवा में उड़ जाएगा और आप बोलोगे भाई उसने नहीं खाया हवा में उड़ गया। अगर पैसा आ रहा है तो पैसा जा भी रहा है, मनी ट्रेल आपके पास होना चाहिए, और आजकल के डिजिटल दौर में आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसा कर दें कि आपने जो है वो पैसे दे दिए
और आपने पैसे कैश दे दिए, आप कभी भी डिजिटल काम कर रहे हैं, आप आइंदा आप में से कोई भी बीसी डाल रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि वो बीसी आप लोग हमेशा ऑनलाइन डिपॉजिट कराएं, उसकी रसीद लें, या फिर अगर कैश भी दें तो कैश मेमो आप लोग ज़रूर लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सबूत होगा कि आपने इनको बीसी दी है या ये पैसे उसने रिसीव किए हैं आपसे। अब बहुत से लोग पैसे ऐसे ही दे देते थे उनको और उनसे पैसे की रसीद नहीं लेते थे। जिन जिन्होंने रसीद लिया उनके पास तो मनी ट्रेल मौजूद है, जिन्होंने रसीद नहीं लिया उनके पास मनी ट्रेल मौजूद नहीं है, तो वो अपनी बात को साबित ही नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत हो गई है। किसी के 32 लाख रुपए देने हैं सिद्रा हुमैद ने, किसी के 5 लाख देने हैं, किसी के 10 लाख देने हैं, और वो कहती हैं कि मैं बैंकक्रप्ट हो गई। मुझे आप लोग मैं नीचे इनकी पोस्ट का लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस केस के बारे में क्या समझते हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो लड़की इनोसेंट है, क्या उस लड़की की बात पर भरोसा करना चाहिए, या उसने सबके पैसे खा लिए हैं ख़ुद इस्तेमाल कर लिए। क्योंकि मेरे ख्याल में उसको भी बेनिफिट था जब वो इतनी बीसियाँ डाल रही थी, और हर बीसी में से पहले कमेटी निकाल कर और अपने पैसे उसने भरे नहीं, और अब उसको इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस भी नहीं रहा कि वो अपने पैसे नहीं भर पाई है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय का इंतज़ार करूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग समझते हैं कि आप मेरी इस वीडियो की बदौलत किसी स्कैम में मुलविस होने से बच गए हैं, तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।